चैनल सिंधी रसोई को और क्लिक कीजिए इस बेल आइकॉन पे ताकि हमारी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस थंब पे क्लिक करके इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बूंदी का रायता बनाना सिखाऊंगी। इसके लिए यहाँ पे मैंने लिया है एक बड़ा बाउल दही, एक छोटी बाउल बूंदी, सफ़ेद और काला नमक मैंने मिला लिया था और जीरा पाउडर, आधा छोटा चम्मच हमें जीरा पाउडर चाहिए। चलिए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको बूंदी को भिगो देना है। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने अपनी बूंदी को पहले से ही भिगो के रखा है। इसे हमें ज़्यादा नहीं भिगोना, बस 5 मिनट के लिए भिगो के अलग रख देना है ताकि ये सॉफ्ट हो सके। इसमें आपको बस इतना ही पानी डालना है ताकि ये उसमें अच्छे से भीग जाए। अब आप एक बाउल ले लें, उसमें अपनी दही डालें और इसे अच्छे से विस्क कर लें ताकि इसमें कोई भी लम्स ना रहे, ये बिल्कुल स्मूथ हो सके। ये देखिए फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख पा रहे हैं मेरी दही अब अच्छे से स्मूथ हो चुकी है। ये बहुत ही गाढ़ी है इसीलिए मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालूंगी, क्योंकि अभी हमारी बूंदी भी पानी सोखेगी। ज़्यादा पानी आपको नहीं डालना है, 1/4 बाउल आप पानी डालें, ये छोटा बाउल है। अब ये जो बूंदी हमने भिगोई थी इसे हमें अच्छे से निचोड़ के अपनी दही में डालना है। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से आप अपने हाथों में दबा के इसका पानी निकाल लें, उसके बाद इसे अपनी फेटी हुई दही में डालते जाएं। इसी तरीके से हमें अपनी सारी बूंदी को अपनी दही में डाल देना है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने अपनी बूंदी दही में डाल दी है। अब हमें इसमें मसाले डालने हैं। ये मैंने सफेद और काला नमक मिला के रखा था, नमक आप अपने स्वाद अनुसार डालें। ये भुना जीरे का पाउडर है, इसे भी आपको आधा छोटा चम्मच डालना है, साथ ही आधा छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर। इन सभी चीजों को मिला दें। फ्रेंड्स, भुना जीरा पाउडर बनाने के लिए आप जीरे को बिना घी या तेल के ऐसे ही तवे पे रोस्ट कर लें, उसके बाद उसे आप ठंडा होने दें, फिर उसे पीस लें तो आपका भुना जीरा पाउडर तैयार हो जाएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा रायता बनके तैयार है। मैंने इसे बाउल में निकाल लिया है। अब मैं इसे जीरे पाउडर से गार्निश करके सर्व करूंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से आप इस पे जीरा पाउडर स्प्रिंकल करें। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू वंस अगेन।